मंसूर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान नृत्य विदारक घटना सामने आई। गणपति विसर्जन करने गए एक युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाहरगढ़ निवासी 19 वर्षीय संदीप पिता राजेश प्रजापत ने घर में गणेश स्थापना की थी। आज 10 दिन पूरे होने पर वो अपने दोस्तों के साथ गाँव में ही शिवना नदी पर बने मंडलोई डैम पर गणेश जी को विसर्जन करने गया था। इसी दौरान वो गहरे पानी में चला गया, जहाँ डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके से दोस्तों ने ग्रामीणों की मदद के लिए बुलाया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही पीएम कर परिजनों को युवक का शव सुपुर्द कर दिया गया। अनंत चतुर्दशी के पर्व पर हुई हृदय विदारक घटना के बाद गांव में शोक छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक के परिजन गांव से बाहर गए हुए थे। युवक अकेले ही अपने दोस्तों के साथ गणपति विसर्जन करने गया था। वहीं पूरी घटनाक्रम पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जाँच की जा रही है। मंदसौर से बंसीदास बैरागी की रिपोर्ट। आज दिनांक 28 सितंबर 2023 को नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया था। उसका परिजनों द्वारा पानी में डूबने से मृत्यु होना बताया गया है।